हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलो बढ़िया होगा सब कुछ। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल, कोई डीएनए मॉलिक्यूल जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी करके रखता है, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ लेके जाएगा? इनसाइड अ होस्ट सेल। ठीक है जी, ये हम होस्ट सेल में लेके जाएगा, जहाँ पे क्या होगा इसका रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, मींस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब वेक्टर्स डीएनए, नॉर्मली इफ वी जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग विल से कि वी हैव अ डीएनए दैट वी आर टेकिंग प्लाज्मिड। मान लीजिए कि प्लाज्मिड हम क्या ले रहे हैं, एज अ वैक्टर ले रहे हैं। अब इस प्लाज्मिड में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया, तो दिस इज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने इंसर्ट किया प्लाज्मिड वेक्टर में। ओके, फिर हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया इनसाइड अ सेल। फिर हम इसको क्या करेंगे कि वी विल मेक सम कंडीशंस दैट इट विल मल्टीप्लाई इनसाइड अ होस्ट सेल along with the gene of interest. So you can see what happening. The number of vector here, the plasmid, is increased by multiplication, and that cloning vector, that vector in the plasmid, we have gene of interest also. So that gene of interest is also doubling its number. वहाँ पर भी क्या है? Number double हो रहा है। ठीक है जी, एक तो हो गया ये चीज़। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि यही आपके पास है एक plasmid। अब ये है आपके पास gene of interest जो आपने इसमें डाला है। ओके, ये भी एक vector है। यहां पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट किया, देन आपने इसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराया। सो दिस इज योर होस्ट सेल, सो यू हैव इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल। नाउ हियर, यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे द जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास, द जीन ऑफ इंटरेस्ट, इट इज गोइंग टू सिंथेसाइज एमआरएनए, देन दिस एमआरएनए लीड टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। So this is a protein. So here we are talking about multiplication of gene of interest. Mean multiplication of the plasmid means a vector. So it will give us the copy number will increase, and also the plasmid which carry the gene of interest is also going to be increased. But what happening here? Here we are dealing with the synthesis of protein. So the vectors can be defined two type. One is your cloning vector. Another one we can define it as a expression vector. तो एक मैंने बोल दिया cloning vector, जहां पे कि gene of interest का number double हो रहा है। एक मैंने बोल दिया expression vector, जहां पे क्या हुआ कि हमारा synthesis mRNA that will lead to protein synthesis। तो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, यहां ओनली रेप्लिकेशन। सो दिस टाइप ऑफ वेक्टर कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर, एंड दिस टाइप ऑफ वेक्टर कॉल्ड एक्सप्रेशन वेक्टर। सो दिस इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, आई गेस कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट कि हाउ टू मेक अ वेक्टर दैट इज क्लोनिंग वेक्टर एंड द एक्सप्रेशन वेक्टर। पहले हम क्लोन पढ़ेंगे, फिर हम एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।